कोरोना काल में आए बिजली बिलों की माफी की मांग के लिए 81 दिनों से धरने पर बैठे रिटायर्ड मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रशीद पटेल ने धरना स्थगित कर न्यायालय की शरण ली। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर यकीन है और हमें वही मिलेगा न्याय। कोरोना काल में हर किसी ने परेशानियां उठाई है और खासकर गरीब मजदूर वर्ग ने, आय के कोई स्रोत नहीं थे, फिर भी उन्होंने बिजली के भारी भरकम बिलों की मार झेली है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल कोरोना काल में आए बिलों को माफ करने की मांग के लिए पिछले 81 दिनों से पुराना कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं, जिन्हें राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन तो मिला लेकिन प्रशासन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे हताश होकर डॉक्टर पटेल ने 81 दिन बाद आज धरना स्थगित करते हुए न्यायालय में याचिका लगा दी। डॉक्टर पटेल के अनुसार उनकी याचिका न्यायालय ने स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि गूंगी बहरी सरकार तो न्याय नहीं दे पाई। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। विजय कुमार जैन, जैन साहब, पेंशन संघ का अध्यक्ष हूँ बड़वानी जिले का। कब से धरना चल रहा है और आज स्थगन किया गया? 20 सितंबर से धरने पर बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब के साथ में, और हमने 81 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। 81 दिन से जब सरकार ने, गवर्नमेंट ने नहीं सुना है, हम ये चाहते थे कि मार्च से लेकर अगस्त तक के जो कोरोना काल के बिल हैं गरीबों के, उनको माफ़ किया जाए, और अभी तक सरकार के कोई भी प्रतिनिधि या किसी ने हमारी कोई खबर नहीं ली। इसमें हम मजबूर होकर हमको हाईकोर्ट की शरण लेने पड़ी न्यायपालिका की, और उसमें रिटायर की गई है, जो हमारी स्वीकृत कर ली गई है। अब उसके भरोसे पर अब हम लोग चले हैं। इसके बाद क्या उनके निर्णय पर, हाईकोर्ट के निर्णय पर हम अमल करेंगे। जो भी आदेश करेगी न्यायपालिका उस पर विश्वास करेंगे। गवर्नमेंट से तो बहुत लड़ चुके हैं और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई को स्थगित कर रहे हैं आज हम 81 दिन के बाद। हमारे साथ में हमारे आदरणीय अब्दुल रशीद पटेल जी हैं, डॉक्टर साहब, और हमारे श्री गुरमीत सिंह जी हैं, और हमारे श्री सकू भाई जी। भारत टेंट हाउस वालों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे इसमें इनके साथ ही हम आगे बढ़ते गए हैं, और हमारे बहुत सी संस्थाओं ने हमको साथ दिया है। जैस वालों ने साथ दिया, भीम आर्मी वालों ने साथ दिया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वालों ने साथ दिया है, कांग्रेस, भाजपा, सभी ने हमको सहयोग किया है। सभी का हमको सहयोग मिला है और हम लोग आगे बढ़ते गए हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, इसके आगे और भी लड़ाई लगेगी। जय भारत। कितने दिन हुए धरने के और आज समापन कर रहे हो, क्या कारण है? हम लोग 81 दिन से बैठे हुए हैं। पूरा राजनीतिक दलों से हमने समर्थन मांगा, दिया भी, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं। ये जो सरकार है, अंधी, बहरी और गूंगी है, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि इस कोरोना काल में लोग अंदर घरों में बंद है, दुकानें बंद, कारखाने बंद, बसें बंद, कोई आना जाना नहीं। आपातकाल जैसी स्थिति, पुलिस विभाग डंडे मार रहा था। ऐसे काल में के लिए हम बैठे हैं। उस पीरियड में सब लोग मजबूर थे, तो उनकी समस्या के लिए कोरोना काल के जो पीरियड के बिजली बिल हैं। अब हुआ ये कि जब आपने घरों में बंद कर दिया तो आदमी क्या करेगा? बिजली भी जलाएगा, टीवी भी चलाएगा, पंखा भी चलाएगा। तो अगर इंसानियत है इन सरकारों में, तो उन गरीबों का कोरोना काल पीरियड का बिजली बिल माफ़ करें, है ना? अच्छा, उसमें मुझे विभिन्न संस्थाओं ने बहुत सहयोग किया। एक एक बच्चा, एक एक संस्था हमारे साथ थी। बीजेपी के भी कुछ लोगों ने गुप्त रूप से हमें मदद की। हर आदमी ये सोच रहा था कि परेशानी का काल है, ये अघोषित आपातकाल था, तो हम उसके लिए बैठे और 81 दिन हमको हो गए, लेकिन कोई भी गूंगी, बहरी और लूली लंगड़ी सरकारों ने, वो तो सिर्फ देता खरीदो, सरकार बनाओ, सत्ता के भूखे हो, कोई भी पार्टी हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको कोई राजनीति, हम समाज से भी लोग हैं, जनता के दुख दर्द को समझते हैं। गरीब लोग बहुत परेशान थे। हमारे पास दो तीन हज़ार बिल ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा अनियमितता है, जिसकी हमने हर आदमी को सूचना भी दी, लेकिन कोई झुके झू नहीं रहूँ। अब धरना खत्म, हम जब थक गए, धरना खत्म किया है आपने, आगे क्या रहेगा? वही तो बोल रहा हूँ, जब हम थक गए, थोड़ा निराश हो गए सरकारों से, तो हमने न्यायपालिका का शरण ली है, और हमें विश्वास है कि भारत की न्यायपालिका आज भी जिंदा है और वो अपना लेगी।
हमारी रीट मंजूर हो गई है और उस पर अब बहस होगी, वो थोड़ा अब न्यायपालिका में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसलिए हम न्यायपालिका पे भरोसा करते हुए हम ये आंदोलन आज स्थगित कर रहे हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।